Good morning, dear student. In our last video, we have done the pu purification of colloid. That means we know that how can we purify the colites? We can classify, uh, we can purify the colites by basically three methods: dialysis, electrodialysis, and ultrafiltration. And I have already discussed that dialysis and electrodialysis process is basically used for the purification of blood. Clear? सो ब्लड के प्यूरिफिकेशन के लिए जो हमारा नेचुरल किडनी में जो प्रोसेस होता है वो डायलिसिस है इसलिए उसको टॉर्म भी हम डायलिसिस का ही देते हैं ठीक है तो आगे हम बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स वेरी इंपॉर्टेंट वन मार्क्स में क्वेश्चन क्योंकि इस चैप्टर से वन मार्क्स में ही क्वेश्चन आते हैं तो वन मार्क्स के लिए हर एक छोटे छोटे पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑप्टिकल मीन्स प्रॉपर्टी रिगार्डिंग विथ लाइट

जो कि ट्रू सॉल्यूशन हो उसको आपने फिल किया और यहाँ से आपने लाइट इसमें पास कराई है तो जब आप इसमें light पास कराएंगे तो लाइट का पाथ जो है visible नहीं होगा बट अगर यही light आपने किसी कोलाइडल सोल्यूशन से पास कराई है तो एक तो लाइट का पाथ विजिबल होगा और वो लाइट का पाथ आपको जब आप स्क्रीन पे देखेंगे तो दिखाई देगा लाइट का पाथ विजिबल किसकी वजह से बिकॉज कोलाइडल पार्टिकल जो है उनका साइज थोड़ा बड़ा होता है तो वो लाइट को स्केटर्ड कर देते हैं जो भी लाइट आती है उसको स्केटरिंग कर देते हैं। जैसे इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है कि स्काई अपियर्स ब्लू क्वेश्चन आता है बच्चों एग्जाम में ध्यान रखेंगे आप स्काई अपीयर्स ब्लू सन से जो लाइट आ रही है उसमें तो सारी लाइट्स हैं विजिबल पूरी रेंज है वेबग्योर की बट जो सन जो स्काई है वो सिर्फ ब्लू दिखाई देता है इसलिए दिखाई देता है जब आप अगर एटमॉस्फेयर से ऊपर जाएंगे तब आपको उसका कलर ब्लू नहीं दिखाई देगा लेकिन जब आप एटमॉस्फेयर में होंगे तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हैं बहुत सारी वाटर वेपर्स हैं तो ये डस्ट पार्टिकल वाटर वेपर्स ये क्या करती हैं कोलाइडल पार्टिकल की तरह बिहेव करती हैं और लाइट को स्केटर कर देती हैं लाइट को स्कैटर कर देती हैं तो सबसे ज्यादा जो स्कैटरिंग है वो ब्लू कलर की होती है वेब आप पढ़ते हैं ना वी आई बी जीवाई आर जिसमें से वेब लेंथ सबसे कम किसकी होती है वॉयलेट कलर की इसलिए वायलेट कलर की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है ठीक स्कैटरिंग ज्यादा होगी तो पूरा का पूरा स्काई जो है वो ब्लू कलर का दिखाई देगा इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जब आप कमरा अगर आपका बंद है कहीं पे छोटा सा कॉर्नर से छेद से अगर लाइट आती है तो उस लाइट में आपको पूरे डस्ट पार्टिकल दिखाई देते हैं हमें क्या लगता है कि लाइट की वजह से वो डस्ट पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं बट एक्चुअली हो क्या रहा है कि डस्ट पार्टिकल है इसलिए आपको वो लाइट दिखाई दे रही है ठीक है लाइट के पाथ में जब डस्ट पार्टिकल आते हैं तो वो उसको स्कैटर्ड कर देती हैं तो आपने देखा होगा छोटे से छेद से भी लाइट आती है तो वो पूरी फैल जाती है स्केटर्ड हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज डस्ट पार्टिकल्स तो so, ये जो प्रॉपर्टी है स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई कोलाइडल सोल्यूशन कोलाइडल पार्टिकल दैट इज नोन एज टिंडाल इफेक्ट या फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी इट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग इन लाइफोबिक कोलाइड एंड वाइल इन लाइफिलिक कोलाइड इट इज क्वाइट वीक लाओफिलिक में कम होता है लाओफोबिक में ज़्यादा होता है बिकॉज लायोफोबिक के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं ठीक है लायोफिलिक ऑलमोस्ट ट्रू सॉल्यूशन की तरह होता है इसलिए टिंडाल इफेक्ट सो नहीं कर पाते तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारा चार्ज ऑन कोलाइडल बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा जितने भी कोलाइडल सॉल्यूशन हैं जितने भी कोलाइडल पार्टिकल हैं वो सब के सब चार्ज्ड होते हैं इधर वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे या वो नेगेटिवली चार्ज होंगे कोई भी कोलाइडल पार्टिकल ऐसा नहीं होगा जिसमें चार्ज ना हो ठीक और कोलाइडल पार्टिकल की अगर हम बात करें कहीं भी इम्प्योरिटी अगर किसी चीज में है वाटर में इम्प्योरिटी कोलाइडल पार्टिकल डस्ट एयर में इम्प्योरिटी कोलाइडल पार्टिकल सैंड में सॉइल uh, में इम्प्योरिटी कोलाइडल पार्टिकल तो इम्प्योरिटी मीन्स कोलाइडल पार्टिकल बिकॉज उनका साइज जो है वो बड़ा होता है वो सस्पेंड नहीं होती है इसलिए वो मतलब नीचे प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करती है इसलिए सस्पेंशन में भी नहीं आती है ठीक तो जनरली जितने भी कोलाइडल पार्टिकल हैं सब में इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक चार्ज चार्ज होता है कोलाइडल पार्टिकल ऑलवेज कैरी द नेचर ऑफ दिस चार्ज इज सेम ऑन ऑल द पार्टिकल ऑफ गिवन कोलाइडल सोल्यूशन जो कोलाइडल सोल्यूशन है वो उसमें एक कोलाइडल सोल्यूशन में जनरली जितने भी पार्टिकल होंगे सब एक ही चार्ज के होंगे ठीक एंड में भी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं तो इसी के बेस पे हमने सोल को किया पॉजिटिवली चार्ज सोल कुछ ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन जिनमें पॉजिटिव चार्ज हो कुछ ऐसे सॉल्यूशन जिनमें नेगेटिव चार्ज हो जैसे पॉजिटिव का एग्जांपल आपको दिया है ब्लड या मेटल हाइड्रोक्साइड FeOH होल थ्राइस जो हमने अभी पिछला पढ़ा है FeOH होल थ्राइस इसी तरीके से ए एस ओ एच हो है। इसको भी मेटल हाइड्रोक्साइड हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है ठीक नेगेटिवली चार्ज सोल जितने भी मेटल के सोल बनेंगे गोल्ड सोल है सल्फाइड है ये सब नेगेटिवली चार्ज होते हैं ठीक अब ये चार्ज का इससे आगे क्या रूल है चार्ज आता कहाँ से है या ये प्रिवेंशियल एडजोर्पन ऑफ आयन क्या है पहली बात अगर हम ये बात करें कि ये चार्ज आता कहाँ से है तो ये चार्ज जो है बच्चों आता कैसे है कि कोलाइडल के जो पार्टिकल हैं हम किस तरीके से बनाते हैं लाइफोबिक कोलाइड्स किसी केमिकल मेथड से ऑक्सीडेशन रिडक्शन से डिस्पर्जन से या फिर कंडेंसेशन से तो जब ये कंडेंसेशन होता है या इनका डिसइंटीग्रेशन होता है तो ये एक दूसरे के साथ जब रब करते हैं तो इन पर चार्ज आ जाता है या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव ठीक है तो अब इसके बाद एक नेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं वो है ब्राउनी मूवमेंट ठीक ब्राउनी मूवमेंट अगर सिंपली देखा जाए ब्राउनियन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस मूवमेंट को बताया था मैं यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा डेफिनेशन लिखी हुई है एनसीआर में बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है आई एम ओनली एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस ठीक तो ये जो कोलाइडल पार्टिकल हैं इनका मूवमेंट जो है वो जिग जेक मूवमेंट होता है तो जिग जिगजेक मूवमेंट इज नोन एज ब्राउनी मूवमेंट अब इस जिगजेक मूवमेंट का कॉज क्या है किस कारण से मूवमेंट मूवमेंट हो रहा है 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 का कारण है इनका चार्ज चार्ज पार्टिकल होना सब में एक जैसा चार्ज है। पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं दोनों में सेम चार्ज है तो क्या होगा दोनों रिपेल करेंगे जैसे ही वो उसके पास जाएगा वहां से रिपेल होकर दूसरी साइड चला जाएगा फिर दूसरा उसके सराउंडिंग में जैसे ही दूसरा चार्ज पार्टिकल आया अगेन रिपेल हो गया तो ये रिपेल होने के कारण ही ये क्या होते हैं कंटिन्यूसली जिगजैक मूव करते हैं और इसी जिगजैक मूवमेंट को हम कहते हैं ब्राउनी मूवमेंट और ब्राउनी मूवमेंट ही सबसे बड़ा कॉज है कोलाइडल पार्टिकल की स्टेबिलिटी का अगर ब्राउनी मूवमेंट ना हो कोलाइडल सोल्यूशन में चार्ज ना हो तो वो स्टेबल नहीं हो पाएंगे अगर इसमें सारे पॉजिटिवली चार्ज हैं ये मान लीजिए सारे पॉजिटिवली चार्ज हैं तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं क्लोज नहीं आ रहे हैं एक दूसरे के क्लोज नहीं आ रहे हैं दे विल रिमेन इन सोल्यूशन बट अगर ये अपोजिटली चार्ज होते अपोजिटली चार्ज होते तो कम्बाइंड हो जाते पॉजिटिव नेगेटिव कम्बाइंड हो गया तो सेटल हो जाएगा ठीक तो जब ये सेटल हो जाएगा तो फिर ये कोलाइडल सोल्यूशन नहीं रहेगा सस्पेंशन हो जाएगा ठीक जैसे होता है ना मिल्क कोलाइडल सोल्यूशन है आप उसमें क्या करते हैं नींबू डालते हैं कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो वो फट जाता है फट जाता है क्यों क्योंकि अब जो कोलाइडल के पार्टिकल थे वो एक दूसरे के क्लोज आ गए क्लोज आ गए तो उनकी स्टेबिलिटी खत्म हो गई उनमें कॉपुलेशन हो गया वो सस्पेंड हो गए ठीक है तो ब्राउनी मूवमेंट इज द मेन कॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन ठीक इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है इलेक्ट्रोफोरेसिस इलेक्ट्रोफोरेसिस एक तरीका है जिससे हम ये बता सकते हैं कि ये कोलाइडल सोल्यूशन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है या फिर नेगेटिवली चार्ज है अब इतने सारे कोलाइडल सोल्यूशन के एग्जाम्पल हमने देख लिए हैं अगर हमें पता करना हो कि वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है तो उसके लिए हम क्या करते हैं हम एक यू शेप की ट्यूब लेते हैं और इसमें दोनों साइड इलेक्ट्रोड लगा देते हैं एक पॉजिटिव एक को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया एक को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया और इस यू शेप एफ की ट्यूब में आपने कोलाइडल पार्ट कोलाइडल सोलूशन फिल कर दिया ठीक है अब जब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे तो जो भी कोलाइडल पार्टिकल का चार्ज होगा कोलाइडल पार्टिकल अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो नेगेटिव की तरफ भागेंगे अगर कोलाइडल पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज uh, है तो पॉजिटिव की तरफ भागेंगे तो मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिक फील्डिस इस मेथड से हमें यह भी पता लग जाता है की कोलाइडल पार्टिकल यानी जैसे आपने इसमें ब्लड फिल कर दिया और दोनों तरफ इलेक्ट्रोड लगा दिया तो उसमें क्या होगा की ब्लड कैसा चार्ज पार्टिकल कैसा कोलाइडल सोल्यूशन है पॉजिटिव तो सारा का सारा ब्लड के जो पार्टिकल्स हैं क्योंकि ब्लड क्या होता है ब्लड में सिर्फ ब्लड पार्टिकल नहीं होते उसमें प्लाज्मा भी होता है तो सारे सारे ब्लड पार्टिकल जो हैं वो कहाँ जाके इकट्ठे हो जाएंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे इकट्ठे हो जाएंगे जिससे आपको पता लग जाएगा कि ब्लड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है इसी तरीके से आपको मिल्क का पता करना हो आपको किसी भी कोलाइडल सोल्यूशन का पता करना हो तो वह हम इलेक्ट्रोफोरेसिस से पता कर सकते हैं डायरेक्ट पूछा जाता है या आपको ये स्टेटमेंट दे दी जाएगी नेम द प्रोसेस या आपको प्रोसेस का नेम दे दिया जाएगा एक्सप्लेन द प्रोसेस ठीक है तो दोनों ही तरीकों से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको आप कंप्लीट करेंगे आज फिर इससे आगे की प्रॉपर्टीज को हम कल पढ़ेंगे ठीक है बच्चों थैंक यू